हाय फ्रेंड, हाय स्टूडेंट्स, आपका ऑल इन वन क्लासेस में वेलकम है। आज हम देखेंगे न्यू सिलेबस फॉर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स न्यू सिलेबस 2018 प्रैक्टिस सेट 6.1। इसमें देवा है फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। इसमें हमें बहुत से मेथड दी गई है, आपको आपने पहले इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में देख लेना जो आपके टीचर भी आपको टीच करेंगे। तो हमें इसमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें देखिए टाइम देवा है, टाइम ओवर में देवा है 0 2 2 4 4 6 एंड 6 to 8 एंड 8 to 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट देवे 7 18 12 10 और 3 देवे। यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल पहले से तैयार करके रखा, क्लास टाइम रहेगा ये पहले इसमें रहेगा, जो ऊपर का जो दिया गया है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा। क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे मैं बाद में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे उसको ही हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में उसका जो टोटल आना है वो हम राइट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्लास टाइम इसमें राइट करते हैं। तो क्लास टाइम राइट करने के लिए टेबल को एक बार देख लीजिए। चलिए हम सबसे पहले क्लास टाइम राइट करते हैं। तो क्लास टाइम राइट करने के लिए चलिए देखिए यहाँ पर, तो जो बॉक्स में हमें दिया गया है ये देखिए, ये दिख रहा है आपको 0 2 2, मैं यहाँ पर ये राइट करूंगा। तो राइट कीजिए 0 2 2। देखिए मैंने जो क्लास टाइम में जो क्लास टाइम ओवर्स में देवा था मैंने राइट कर चुका हूँ 0 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10। तो यहां पर हम राइट कर देंगे 2 टोटल। ओके, अब क्लास मार्क को अभी क्या करना है, फ्रीक्वेंसी राइट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है तो फ्रीक्वेंसी राइट कर लीजिए 7 7 18 12 10 एंड 3। और फ्रीक्वेंसी के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये सिग्मा सम, इसे सम भी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी इंटरवल जो है मैं फिर से राइट करता हूं और यहां पर राइट करना है आपको इज इक्वल टू, उसकी जो टोटल है हम वो राइट कर देंगे। चलिए आप इधर आ जाइए, क्लास टाइम जो देखिए इन दोनों की एडिशन करना है 0 2 2 की, 2 प्लस 0 कितने होते हैं 2, तो 2 के हाफ करने हैं कितने हो जाएंगे 1। ठीक है, 4 प्लस 2 इनकी एडिशन कीजिए यहां पर 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, 6 के हाफ कितने हो जाएंगे 3, यहां पर राइट कीजिए 3। ओके, 6 प्लस 4 कितने हो गए 10, 10 के हाफ कीजिए हो जाएंगे 5, 6 प्लस 8 होंगे 14, 14 के हाफ कीजिए 7 और 8 प्लस 10 18 उसके जाएंगे 9। और ये जो टोटल है हम टोटल को यहां पर मैं डैश दे देता हूं, इनकी टोटल कीजिए। अगर आप इनकी टोटल करेंगे तो आपको लगेगा इनकी टोटल जो आएंगी, मैं कर लेता हूं 10 12 22 और ये 30 50 आ रही है। कितनी आ रही है इसकी टोटल, हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई 50 मिल चुकी है। चलिए आगे चलिए देखते हैं, अब यहां पर लास्ट में जो है क्लास मार्क इनटू फ्रीक्वेंसी एक्स आई इंटू एफ आई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है 7 7 7। ठीक है, 18 3 54। ओके, 12 5 60 आप जानते हो। उसके बाद में हमें देखना है 10 7 70 और ये आ जाएगा 9 3 27। और जो हम इसे हम डिनोट करेंगे इसे इनकी एडिशन इन्हें सिग्मा या सम एफ आई इंटू एक्स आई की जो एडिशन है कितनी है हमारी, इनके अगर एडिशन हम करते हैं तो समथिंग मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं, इसकी एडिशन अब भी कर लीजिए, इसकी एडिशन आती है 218। चलिए आगे चलती है, हमें बोला गया हमें क्या फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से, क्या निकालना है इसकी डायरेक्ट मेथड से, हमें इसका मीन टाइम स्पेंड करना है, मीन निकालना है हमें। तो हम मीन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए मैं मीन के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा मीन, मीन के लिए हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स और उसके सर पे बार इज इक्वल टू, ये मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन
सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला आपके बुक में भी दिया गया है। अब देखिए हमारे पास में एफ आई और एक्स आई कितना दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए एफ आई और एक्स आई और एफ आई कितना देवा, ये भी आपके पास में अवेलेबल है। चलिए पुट कीजिए, एफ आई एक्स आई कितना आया 218 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया 50। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे समथिंग, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लग जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसका डिवीजन करता हूँ तो 50 से 218 को, तो 15 फोर ज़ा 200, 218 में से 200 माइनस करता हूँ तो 18 बचते 0, पॉइंट दे दिया ऊपर 0 ले लिया 150 है, ये डिवीजन तो आप जानते हो, तो समथिंग इसका इतना आंसर आता है। अगर हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास में मीन कितना जाएगा, मीन 4.36। तो मीन हमारे पास में 4.36 आया, द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट। तो हम इस तरह बता सकते हैं कि जो इसका मीन है किस तरह निकला जाता है डायरेक्ट मेथड से। तो इस तरह डायरेक्ट मेथड को हम यूज करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर अवर चैनल।